कैबिनेट मंत्री, माफ कीजिएगा, नंद गोपाल गुप्ता ने अपने जन्मदिन पर सेंशल के घरों को भगवा रंग में रंगवा दिया है। बड़ी खबर प्रयागराज से, जो मंत्री हैं कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल, उन्होंने अपने आसपास के घरों को भगवा रंग में रंगवा दिया है। घरों पर देवी देवताओं तो देवताओं के चित्र भी बनवा दिए हैं और स्थानीय लोगों ने इसके खिलाफ एक FIR दर्ज कर दी है। स्थानीय लोगों द्वारा शिकायत करने पर पुलिस ने 2 FIR दर्ज की और आखिरकार मंत्री के करीबी सहयोगियों के खिलाफ धमकी जारी करने और दंगा करने के लिए 2 अलग-अलग प्राथमिक जो FIR है वो दर्ज की गई हैं। मंत्री की तरफ से कहा गया कि ये इलाके के सुंदरीकरण के लिए किया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, मंत्री जी ने अपने जन्मदिन के मौके पर यहाँ आसपास के घरों को भगवा रंग में रंगवा दिया है। आपको दिख रहा है ये भगवा है, कहीं पीला है, कहीं हरा है। राम दरबार की फ़ोटो है, सीता जी की साड़ी रेड कलर की है, लाल है। तो ये जो शंकर जी की छाल है जिस पर बैठते हैं वो चॉकलेटी कलर का, कॉफ़ी कलर का, देख लीजिए। कुछ लोगों को सौंदर्यीकरण पसंद नहीं आ रहा है, कुछ जो विकास विरोधी लोग हैं उनके पेटों में दर्द हो रहा है। दो लोगों ने FIR लिखाया कि कुछ अज्ञात लोगों ने मेरे घर का रंग जो है उसको गेरुआ कलर से, एक ने लिखा भगवा रंग से रंग दिया, और जिसमें एक ने तो अज्ञात लिखाया है डॉक्टर जीवन चंद ने, और रवि गुप्ता ने एक लाला उर्फ केशव चंद करके ऐसा नाम दिया है कि उन लोगों ने 15-20 लोगों के साथ आके जबरदस्ती मेरा घर रंगा, जिसपे अभियोग पंजीकृत किया गया है और विवेचना के उपरांत देखा जाएगा इसकी क्या सत्यता है, दोष के आधार पर इसका निस्तारण किया जाएगा। भगवा कलर को लेकर बात आ रही है, अब कलर तो उसमें लिखा हुआ, लेकिन ये कि अगर किसी का घर है तो उसकी जानकारी में होना चाहिए क्या हुआ कैसे, विवेचना में क्लियर हो जाएगा और तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। मंत्री के भाई का नाम आ रहा है इसमें, अभी विवेचना में देखा जाएगा कौन क्या है सत्यता। ये कौन सा मजाक है कि आप हमारा घर जो है आप अपने रंग से रंगवाएंगे, आप हमारे घर को जो है एकदम भगवा करा देंगे। तमाम लोगों ने आपत्ति किया, उनके गुंडों ने गाली गलौज किया। ये एक सभ्य समाज का प्रतीक नहीं है।